आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र भट्ट और मैं आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसका संबंध राजस्थान की रानी पद्मावती से है, जिस पर संजय लीला भंसाल की फिल्म पद्मनी रिलीज के लिए तैयार है। साथियों, रानी पद्मनी के अस्तित्व को लेकर इतिहास में वैसे तो कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। इस राजपूत रानी का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत ही संदिग्ध है। इस नाम का जिक्र अगर कहीं आता है तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य पद्मावत। इतिहास के बहुत सारे ग्रंथों में अधिकतर पद्मनी नाम स्वीकार किया गया है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम स्वीकार किया। जायसी के लिखे हुए से स्पष्ट होता है कि पद्मनी से उनका भी अर्थ स्त्रियों की उच्चतम कोटि से है। इतिहासकार कर्नल टोंड ने अपने राजस्थान के इतिहास में जायसी के लिखे हुए में कुछ हेर फेर के साथ लगभग उसी कहानी को दोहराया है। रानी पद्मनी, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को लेकर इतिहासकारों के बीच पहले से बहुत सारा मंथन हो चुका है। अगर हम प्रमाण की बात करें तो इसका सबसे स्टिक प्रमाण राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का माना गया है। ओझा जी ने पद्मावत की कथा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, परंतु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविताबद्ध कथा है, जिसका क्लेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रतन सिंह चित्तौड़ का राजा, पद्मनी या पद्मावती उनकी रानी और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, जिसने रतन सिंह से लड़कर चित्तौड़ का किला छीना था। बहुधा अन्य सब बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पना से खड़ी की गई हैं, क्योंकि रतन सिंह एक बरस भी राज्य करने नहीं पाया था। इस तरह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की कथा में ऐतिहासिकता ढूंढना बहुत हद तक निरर्थक ही है। हाँ, कुछ नाम ऐतिहासिक जरूर हैं, परंतु घटनाएं लगभग कल्पित ही हैं। कुछ घटनाएं जो ऐतिहासिक हैं उनका भी संबंध 1303 ईस्वी से न होकर 1531 ईस्वी से है। साथियों, पद्मनी के संबंध में दी गई सभी घटनाएं हो सकता है कि सत्य की कसौटी पर ठीक ना उतरे, लेकिन इस रानी की विद्वानता, आक्रमण के समय उसकी सूझबूझ, उसके द्वारा जौहर व्रत का नेतृत्व जैसी घटनाओं का एक स्वतंत्र महत्व है। राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मनी या पद्मावती हो या नहीं, परंतु इससे उस रानी का न तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व खंडित होता है और ना ही उसके गौरव गाथा में कोई कमी आती है। पूरे आन बान के साथ जीने वाली तथा गौरव रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण देने वाली उस रानी की स्मृति भी आदर के योग्य रहेगी। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई कविताएं या कहानियां सभी सुने तो मुझे लिखकर भेजें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ अपने इस साथी राजेंद्र भट्ट को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।